So guys, this is the second part of the light, and if you haven't subscribed to the channel, subscribe it. और अगर आपको notification चाहिए कि अगला part आ चुका है, then press the bell icon. और ये video को अपने friends के साथ share कीजिए. और आपको कोई भी issue इस video से related, कोई आप new technique चाहते हो कि जिस तरह से मैं पढ़ाऊँ तो ज़्यादा better हो सकता है, तो please comment में बताइए. So let's start the video. So, जो टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वो है फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ल्यूमिनस एंड इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, रिफ्लेक्टेड लाइट्स कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, मल्टीपल इमेजेस एंड डिस्पर्शन. सो छोटा सा एक वीडियो है, कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे. ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने से ज़्यादा वीडियो लंबा होता है तो बोरिंग होने लगता है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग वीडियो कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट टॉपिक है 16.3 रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. रेगुलर मतलब होता है प्लेन सिंपल, एंड डिफ्यूज मतलब होता है बिखरा हुआ. सो रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो प्लेन होगा या तो वो बिखरा होगा. सो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था मिरर कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई भी प्लेन फिगर जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है. सो जो प्लेन फिगर होता है उसे हम लोग नॉर्मल लाइन से ड्रॉ करते हैं, और जो जिस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उस साइड को क्लियर छोड़ देते हैं. अब बाकी नेक्स्ट साइड को हम लोग इस तरह लाइन से ड्रॉ करके मार्क करते हैं कि जिस साइड रिफ्लेक्शन नहीं होगा. सो एक इंसिडेंट रे होता है, एक रिफ्लेक्टेड रे होता है, एक नॉर्मल भी होता है. सो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये दोनों इक्वल होता है. ये सारा मैंने पार्ट वन में डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए. सो जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो दोनों इक्वल होता है. अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार जो रे होगा वो सिंगल रे होगा. रेज जो होते हैं, जो लाइट आते हैं उसमें काफ़ी सारे मल्टीपल रेज होते हैं, बहुत सारे. सो इसमें कह रहा है कि अगर वो किसी एकदम सिंपल प्लेन फिगर पे लैंड करते हैं सारे इंसिडेंट होते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो सारा भी क्या होगा, एकदम प्लेन, एकदम नॉर्मल सिंपल सा होगा. जैसे मान लीजिए अगर हमारे पैरेलल रेज जो है किसी प्लेन फिगर पे जाके मीन्स इंसिडेंट हो रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा ये नॉर्मल से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा. बट ये तभी होगा जब ये जो हमारा प्लेन होगा वो बिल्कुल सीधा सा होगा बिना कोई डिस्टर्बेंस के. बट नॉर्मल जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रुखड़े होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये फ्रिक्शन वाला होता है, क्या कहे, ऊबड़ खाबड़ टाइप का होता है. सो उस पर जब रेस फॉल करते हैं पैरेलल रेस, तो कोई कहीं और फॉल की उसके उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहीं और जाएगा. यहाँ पे नॉर्मल जो होगा हो सकता है आपका यहाँ फॉर्म करे, नॉर्मल यहाँ फॉर्म करे, और जो रिफ्लेक्शन वो होगा वो इधर उधर हो जाएगा. सो मिरर के केस में क्या होता है, अगर ये आपका मिरर है, आपका यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका रिफ्लेक्शन एकदम सीधा होता है और आपको ऑब्जेक्ट दूसरे साइड दिखता है. या अगर आप इस पर लाइट पास करेंगे तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा अगर किसी दीवार पे जा रहा है तो वो एक पॉइंट पे ही दिखता है. अगर आप ट्राई करेंगे कोई मिरर को ले लीजिए और उस पर एक टॉर्च मार के देखिएगा एक साइड से और दूसरे साइड वॉल हो, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक जाके पॉइंट पे सर्कल पे वो उसका रिफ्लेक्शन शो होगा. बट ऐसा नॉर्मल केस अगर आप दीवार पे डायरेक्टली टॉर्च मारेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं भी नहीं बनेगा, क्योंकि दीवार जो होता है वो इस टाइप का होता है रुखड़ा, और उसका जो लाइट है वो इधर उधर चला जाता है. और नॉर्मल जो भी चीज़ हम लोग डेली लाइफ में देख पाते हैं वो होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से. क्योंकि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट आपका ज़मीन पर रखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं बॉल, उस पर जब लाइट पड़ता है कोई भी पैरेलल हो जैसा भी हो, सो वो इधर उधर हर तरफ क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है हर तरफ. और इंसान कहीं पे भी हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो या कहीं पे भी हो, वो उस बॉल को देख सकता है, क्योंकि वहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है. सो इसका हम लोग डेफिनेशन कह सकते हैं कि व्हेन ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम अ सरफेस आर नॉट पैरेलल देन इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. अगर जो रेज है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज है वो अगर पैरेलल नहीं है, अगर वो पैरेलल होते हैं तो वो होते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. मीन्स अगर ये हमारे इंसिडेंट रे फॉल किए और ये हमारे रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे अगर पैरेलल है तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन. और अगर वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं है तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे निकल के आता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट.
सो वैसे दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइट के टर्म में लिया जाए तो. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपना लाइट खुद ओमिट करते हैं, मीन्स अपने खुद अपना जो लाइट है वो खुद जनरेट करते हैं, लाइट को पैदा करते हैं, उनका कह सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट. वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद रख सकते हैं एग्जाम के सेंस में. और वैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, मीन्स खुद जनरेट नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते, बट जो लाइट उन पे फॉल करता है वो बस उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे इसका डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट्स विच ओमिट देयर ओन लाइट. जो ऑब्जेक्ट्स अपना लाइट खुद पैदा करते हैं, जैसे सन हो गया हमारा. सन जो होता है वो किसी का लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, सन का लाइट खुद होता है. और बल्ब हो गया, बल्ब इससे जो रोशनी आती है वो भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसका खुद का जनरेटेड होता है. और जो कैंडल में फ्लेम वगैरह आग से जो रोशनी होती है वो भी क्या होता है, खुद ओमिट किया जाता है. सो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आएंगे. इसका एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन देम आर नोन एज इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सो जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को बस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जैसे मून है, मून क्या करता है, सन से जो लाइट उस पर फॉल करता है उसको बस रिफ्लेक्ट कर देता है. और ऐसा हमने लगता है कि जो सन है ये मून जो है उसका खुद का लाइट है बस, बट वो ऐसा नहीं करता है, वो बस रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट. अब बाकी हमारे आसपास में जो भी सामान हम लोग देख सकते हैं, बॉक्स हो गया, टेबल, चेयर, या जो भी चीज़ हम लोग देख सकते हैं, पेन, शार्पनर और इंसान भी, उन लोगों को हम लोग देख पाते हैं क्योंकि उन पे कुछ लाइट फॉल होता है और वो लोग क्या करते हैं, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और वो रिफ्लेक्टेड रे हमारे आँख में जाता है और हम लोग देख पाते हैं उन लोगों को. अब आँख हम लोग का कैसे काम करता है, हम लोग कैसे देख पाते हैं, ये हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट में. सो नेक्स्ट छोटा सा बच्चा वाला टॉपिक है 16.4, रिफ्लेक्टेड रे कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. सो इस टॉपिक में कुछ खास आपको याद करने वाला जानने वाला नहीं, बट बस जान जाइए कि होता क्या है. सो इसमें कह रहा है कि अगर कोई एक रे है, एक बार रिफ्लेक्ट हो चुका है, सो वो दोबारा भी वो मतलब रिफ्लेक्ट हो सकता है. जैसे इसका एग्जांपल एक बहुत सॉलिड सा है जो बार्बर शॉप में आप देखते हैं, कि अगर आप बार्बर शॉप में आईना के आगे बैठे हुए, सो वो आप अपने पीछे का, आप सामने से बैठे हैं तो आपको बस आगे का अपना फेस दिखाई देता है, पीछे का आप बाल नहीं देख पाते. सो उसके लिए क्या होता है, पीछे भी कुछ मिरर लगाए रहते हैं या बार्बर आपके पीछे एक मिरर लेके खड़ा हो जाता है. उससे क्या होता है, जो मान लीजिए कोई भी लाइट जो है सन से या बल्ब से आप पे पड़ती है, वो लाइट अलग अलग जगह जाती है, कुछ मिरर पे भी फॉल करते हैं और उससे जो है एक इमेज आपका मिरर में शो होता है, वो आप देखते हैं. कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके आपके पास आती है जिससे आप देख पाते हैं, और कुछ इधर उधर चल जाती है जो कि दूसरे मिरर में जाके रिफ्लेक्शन होता है. दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद वहाँ पे एक इमेज फॉर्म करता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन वापस दोबारा इसमें आता है, और इस तरह से होते हुए ये प्रोसेस थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मे बी आपको नहीं समझ में आया, बट इसी तरह होता है. एक रिफ्लेक्शन दूसरा रिफ्लेक्शन होते हुए मल्टीपल बहुत सारे इमेजेस फॉर्म हो जाते हैं. पीछे में आप देखते जाइएगा तो आपको दिखेगा, अगर आपने कभी ट्राई किया दो मिरर के बीच में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखिएगा, सो बहुत सारे पीछे आपको लगेगा लगातार इमेज वो है फॉर्म करते जा रहा है. ऐसा बार्बर शॉप में भी होता है, आपको लगेगा कि आप बहुत सारे आप जो भी हैं वो बन गए हैं. इसमें सच में कुछ बहुत ज़्यादा जानने वाला बात नहीं है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, कि इससे इसका क्या हेल्प है, इससे क्या इम्पोर्टेंस है. सो इससे हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग बनाते हैं पेरिस्कोप. अगर आपने पेरिस्कोप नहीं सुना है तो ये कुछ इस टाइप का होता है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं सबमरीन्स में, जिसमें क्या होता है कि एक कॉर्नर से अगर हम लोग देखते हैं, सॉरी ये थोड़ा नीचे बन गया, कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो भी सामान है हम लोग को वो दिख जाता है. सबमरीन्स कुछ इस टाइप के होते हैं जिसमें हम लोग इस पेरिस्कोप को यूज़ करते हैं. अंदर जो भी आदमी रहता है वो बाहर का सामान को भी देख सकता है, क्योंकि सबमरीन्स पानी में होती है, अब बाहर क्या हो रहा है वो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो इसमें हर जगह जगह पर मिरर लगाए रहते हैं, यहाँ पे और जहाँ जहाँ भी है मिरर लगाए रहते हैं. सो जो इमेज का वो है वो यहाँ पे आता है, फिर वो रिफ्लेक्ट होके इस मिरर में आता है, फिर वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर इंसान के आँख में जाता है, जिससे कि वो बाहर का चीज़ भी देख पाता है. सो इस रिफ्लेक्शन से, जो कि मतलब रिफ्लेक्ट हो चुका है वो जब दोबारा रिफ्लेक्ट होता है, उसकी मदद से, इस प्रोसेस की मदद से हम लोग बना पाते हैं एक ऑब्जेक्ट, एक टूल जिसका नाम है पेरिस्कोप. इस नाम को याद रखिएगा.
सो आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट टॉपिक है छोटा सा डिस्पर्शन। ये एक्चुअली एक प्रोसेस है। इसका डेफिनेशन है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्शन। सो हम लोग जो नॉर्मल लाइट देखते हैं वो किस कलर का होता है, या तो वाइट होता है या तो येलो कलर का होता है। सो एक्चुअली में क्या होता है कि उस कलर में, उस वाइट लाइट में या येलो लाइट में 7 कलर्स छुपे होते हैं। जो रेनबो में हम लोग को 7 कलर्स देखने को मिलता है विब ग्योर, ये जो 7 कलर्स रेनबो में प्रेजेंट होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये जो 7 कलर्स होता है ये रेनबो में प्रेजेंट होता है और ये हर एक वाइट लाइट में भी प्रेजेंट होता है। देखने के लिए तो वो वाइट लाइट होता है, बट अगर उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, उसको अलग अलग बिखेर देते हैं, सो उससे हम लोग सारा सातों कलर निकाल सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है प्रिज्म। इस प्रिज्म से अगर हम लोग वाइट लाइट को पास करवाएंगे सो ये धीरे धीरे बिखर के अपने सारे कलर्स में टूट जाता है। सो बस यही था इस टॉपिक में और ये पार्ट होता है यहाँ पे ख़त्म। जो बाकी का बचा हुआ चैप्टर मैं आगे के पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। एंड इस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, ये कैमरा बार बार फोकस कर रहा था, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा एडजस्टमेंट में दिक्कत हो गया है कैमरा का, बट आगे से इसका ज़रूर ध्यान रखूँगा। आपको और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू।